Welcome back to my channel. My name is Pratika Gupta and topic for today is capacity to contract. Guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not yet subscribed my channel, please mere channel ko abhi subscribe kar do. And yes, if you enjoy learning with me and you understand what I teach, please like all my videos and let me know in the comment section. Moreover, if you have any doubt regarding the topics which I teach, please ask them in the comment box. I'll be answering all your doubts. So let's get started. Now, what is meant by capacity to contract? कैपेसिटी का मतलब होता है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हु इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम आज के इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन इंसान केपेबल है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। जो भी इंसान केपेबल होगा, इट मीन्स वो इंसान कॉम्पिटेंट होगा टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है हु ऑल आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसकी हेडिंग क्या है, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स सेक्शन 11 हमें ये बताता है कि कौन कौन सा इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एंड हु ऑल आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सेक्शन 11 बोलता है कि एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट एंड इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। इन तीन पॉइंट्स को जो मैंने हाईलाइट किया है, हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। गाइज, आई विल बी ब्रेकिंग दिस चैप्टर इन टू बिट्स एंड पीसेस। थोड़ा इंपॉर्टेंट में बहुत ज़्यादा है, मोरोवर थोड़ा लेंथी है। हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। धीरे धीरे आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ माइनर एंड लॉ को, यानी कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एनी पर्सन, कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एनी पर्सन इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, बट कंडीशंस क्या है, दैट पर्सन मस्ट बी मेजर। मेजर का मतलब आपको पता होगा, दैट पर्सन मस्ट नॉट बी माइनर, यानी कि ही मस्ट बी 18 ईयर्स और अबव। इफ यू नो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 1999, इस अकॉर्डिंग इसका जो सेक्शन 3 है वो हमें क्लियरली बताता है कि मेजर कौन होता है। मेजॉरिटी कब अटेन होती है लॉ में, यू नो स्पेशली इन इंडिया, इंडियन लॉ में मेजॉरिटी कब अटेन होती है, व्हेन अ पर्सन क्रॉसेस 18 ईयर्स। इट मीन्स अ पर्सन हुज 18 ईयर्स और अबव, दैट पर्सन बिकम्स अ मेजर एंड ही इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इट मीन्स इनकेपेबल कौन हुआ, माइनर। माइनर मतलब एनी पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, दैट पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, इट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 12 को भी हम स्लोली स्टेडली डिस्कस करेंगे। साउंड माइंड का मतलब होता है उसकी मेंटल हेल्थ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी अ ल्यूनेटिक, इट मीन्स दैट पर्सन शुड नॉट बी एन इडियट, ही शुड नॉट बी अ ल्यूनेटिक। उसको सारी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस समझ आनी चाहिए कि जो मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज़ के लिए है। लेकिन जो इंसान मेंटली हेल्दी नहीं है, वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स अगर आप उस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो इंसान लायबल नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान को तो समझ ही नहीं है कि उसके सामने हो क्या रहा है। मोरओवर, एनी पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम स्टडी डेफिनेटली करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। इसको भी हम स्टडी करेंगे और इसकी डेफिनेशन में आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इट मीन्स कौन सा लॉ उस इंसान पे एप्लीकेबल है। इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, डेफिनेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप पे एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स कि जो कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री का एक्ट आप पे, उस कंट्री का लॉ बेसिकली, जो भी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा। अब इंडिया में रहते हुए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप पे एप्लीकेबल होगा। अब आपकी इसकी डेफिनेशन मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, डेफिनेशन आई होप आपको समझ आएगी। और उसमें हम पहले पॉइंट को उठाएंगे विच इज मेजॉरिटी, मेजॉरिटी को उठाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे साउंड माइंड विच इज सेक्शन 12, एंड देन विल बी डिस्कसिंग पीपल हु आर एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्लोली एंड स्टेडली कवर करते जाएंगे सब कुछ। सो सेक्शन 11 सेज एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 1999, मैंने बता दिया कौन है, 18 ईयर्स और अबव का इंसान मेजर होता है। एनी पर्सन हु इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज यू नो नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ये आपका सेक्शन 11 कहता है। और सेक्शन 11 में जो हमने तीन कैटेगरीज डिस्कस करी, यही तीन लोग हैं जो केपेबल है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इट मीन्स कौन नहीं है केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कोई भी माइनर केपेबल नहीं होगा क्योंकि वो मेजर नहीं है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो भी केपेबल नहीं होगा क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है। और सेक्शन 11 कहते हैं कि जो इंसान साउंड माइंड का है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इज इट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस इंसान को हमने डिस्क्वालीफाई किया है,
जिस इंसान को हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो भी केपेबल नहीं है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आज के इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग माइनर एंड लॉ। हम माइनर एंड लॉ के कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। इट मीन्स आपको पता है कि मेजर तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता? माइनर नहीं कर सकता। अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। माइनर कर नहीं सकता, बट व्हाट इफ अ माइनर एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट तो क्या होगा? तो व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट ये डिस्कस करेंगे। माइनर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल डिस्कस करेंगे। माइनर एंड रेस्टिट्यूशन भी डिस्कस करेंगे। हम इन तीन पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइनर एंड लॉ का टॉपिक बहुत लेंथी है, उसको मैं धीरे धीरे हर एक वीडियो में कवर करती जाऊंगी। आज हम सिर्फ ये तीन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, लेट मी टेल यू बहुत प्रॉपरली कि एक जो माइनर की अग्रीमेंट होती है वो वॉइड एब इनिशियो होती है। अब आई'ड लाइक टू टेक यू बैक टू सेक्शन 10, जो मैंने बहुत पहले अपने पहले वीडियो में, जो मेरी पहली वीडियो थी ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसका नाम ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मैंने आपको सेक्शन 10 को बहुत प्रॉपरली डिस्कस किया था। सेक्शन 10 इफ यू रिमेंबर, उसमें क्या था, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर हियरबाय नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब आपको उसमें वर्ड क्या याद आया, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड अपने आप में एक चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। टुडे इज द डे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो आपको समझ आया कि एक इंसान अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वही इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो कॉम्पिटेंट होगा। बट मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट उसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोलेंगे, इट विल बी एन अग्रीमेंट विच इज वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, नॉन एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये हर एक कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको दिखेगा मेरी कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वॉइड एग्रीमेंट पे भी बनाई है, वॉइड एंड इलीगल अग्रीमेंट्स। आई हैव मेड यू नो अ वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो। वो जब हम बेसिक्स क्लियर कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उस टाइम पे मैंने उन वीडियोस को बनाया था। गाइस वो सारे कॉन्सेप्ट इधर फिर से आएंगे, आई विल नॉट बी गोइंग इन डेप्थ। अगर आप उन वीडियोस की क्लैरिफिकेशन चाहते हो उन वीडियोस को देख लेना, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड इन ग्रेटर डिटेल इन दोज वीडियोस, क्योंकि हम बेसिक्स क्लियर कर रहे थे उस टाइम पे। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। माइनर की अग्रीमेंट क्या रहेगी इफ वी क्लब सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हमें देखने को मिलेगा कि नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट इज दैट इट इज वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। इट मीन्स वो एक वॉइड एग्रीमेंट होती है। वॉइड एग्रीमेंट भी मैंने समझाया था कि वॉइड इज समथिंग विच इज नॉन एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करेगा, उस अग्रीमेंट को लॉ की बैकिंग नहीं मिली। और एग्रीमेंट मतलब वो सिर्फ अग्रीमेंट है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी। और अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सिबिलिटी की जरूरत होती है, क्योंकि वो वॉइड है वो एनफोर्सिएबल नहीं है। यही रीजन है कि इसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तो आपको समझ आया कि माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, इट इज वॉइड राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, मतलब वो डेड होती है। यानी कि अगर कल को माइनर कोई ब्रीच करता है उस अग्रीमेंट का, तो सामने वाली पार्टी जो है यू नो द प्लेंटिफ पार्टी, दे कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, दे कैन नॉट सीक एनी रिलीफ, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अग्रीमेंट उन्होंने करी वो सिर्फ एक अग्रीमेंट ही थी विच इज वॉइड, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इस चीज को सबसे पहले एक इंडियन केस लॉ ने इवॉल्व किया था, बेसिकली हम इसको इवॉल्व ही कहेंगे। माइनर की अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होती है, इसको एक केस लॉ ने इवॉल्व किया था। उस केस लॉ का नाम आता है मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोसे 1903। गाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस केस लॉ के फैक्ट्स को जब आप स्टडी करोगे वहां से हमें ये निकल के आएगा कि कोर्ट ने पहली बार कहा था कि माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। कोई भी एक इंसान अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट करता है वो अग्रीमेंट ही रहेगी, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है। इट मीन्स इट इज वॉइड एब इनिशियो। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि देयर वाज अ पर्सन, उसका नाम था धर्मदास घोसे, ही वाज अ माइनर, बहुत ही छोटा एक लड़का था। उसने क्या किया, वो ब्रह्मदत्त के पास गया, ब्रह्मदत्त वॉज अ मनी लेंडर, तो उसने क्या किया, धर्मदास घोसे ने ब्रह्मदत्त के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया। मॉर्टगेज मतलब किसी चीज को गिरवी रख देना। तो इसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी मनी लेंडर के पास, और मनी लेंडर से वो लोन लेके चला गया। अब क्या हुआ, अब जो ब्रह्मदत्त थे इनके जो अटॉर्नी थे, बेसिकली इनके जो लॉयर थे, ब्रह्मदत्त के मनी लेंडर के अटॉर्नी को इस चीज़ का पता था। इट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, इस इंसान को, इसके अटॉर्नी को पता था कि जिस इंसान के साथ हम अग्रीमेंट कर रहे हैं वो माइनर है।
इट मीन्स दिस पर्सन हैड फुल नॉलेज ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ दैट माइनर, उसे पता है कि वो बच्चा माइनर है जो हमारे साथ अग्रीमेंट कर रहा है। तो इस चीज़ का ब्रह्मदत्त को शायद से नहीं पता था, लेकिन उसके अटॉर्नी को फुल नॉलेज थी कि हमारी अग्रीमेंट एक माइनर के साथ होने जा रही है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, इस इंसान ने क्या किया, मॉर्टगेज रख दी अपनी प्रॉपर्टी और लोन ले लिया। थोड़ी देर बाद धर्मदास घोसे कोर्ट में जाते हैं, अपने आप ही वो प्लेंटिफ बन जाते हैं और वो एक सूट फाइल करते हैं। वो केस किस चीज़ के लिए फाइल करते हैं, ही फाइल्स अ लॉ सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ मॉर्टगेज। वो कहते हैं कि जो ये मॉर्टगेज हुआ है, जो पूरी अग्रीमेंट हुई है, ये अपने आप में वॉयड है, क्योंकि मैं एक माइनर हूँ, आई एम अ स्मॉल चाइल्ड, एज पर सेक्शन 11 आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ, तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। इसीलिए जो मेरी प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है ब्रह्मदत्त के पास, इनको कहा जाए कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो। बट उन्होंने उस लोन मनी की बिल्कुल ही जिक्र नहीं किया। ऑब्वियसली धर्मदास घोसे कुछ पैसा भी तो लेके गया था, लेकिन ही नेवर टॉक्ड अबाउट इट। उसने कहा इस मॉर्टगेज को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये मॉर्टगेज वैलिड ही नहीं है, ये वॉइड है, तो मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलाई जाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो डिफेंडेंट्स थे इन्होंने बहुत सारे इश्यूज रेज करे, बहुत सारी कंटेंशंस रेज करी कोर्ट के पास। उन कंटेंशंस को हम डिस्कस करेंगे, उसी से हमारे नेक्स्ट टू पॉइंट्स रिलेटेड है, विच इज माइनर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, माइनर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपल। इसीलिए मैंने क्लबिंग कर लिया सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में, ताकि आपको समझने में ईजी हो। अब पहला कंटेंशन जो इन्होंने रेज किया डिफेंडेंट्स ने, वॉज दैट ऑफ लॉ ऑफ इस्टॉपल। उन्होंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपल के बारे में, अब आपको इस्टॉपल में समझाती हूँ पहले क्या होता है, देन विल कम बैक टू दिस पॉइंट। लॉ ऑफ इस्टॉपल का मतलब ये होता है दैट यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। इस लाइन को याद रखना, यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट, इट मीन्स आपने पहले जो कह दिया आप उसको अब डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने तो कहा ही नहीं था। अब इसमें हम केस लॉ डिस्कस करते हैं, केस लॉ विल बी डिस्कसिंग एन एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी। एग्जाम्पल बेसिकली क्या कहती है, देयर इज अ पर्सन ए, ए ने क्या किया फॉल्सली और फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली मतलब इंटेंशनली, उसने बी को फॉल्सली रिप्रेजेंट इस तरीके से किया कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैं वो प्रॉपर्टी तुम्हें बेचना चाहता हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी ले। अब ए ने इस तरीके से बी को यू नो इंड्यूस किया कि तुम मेरी प्रॉपर्टी ले लो, फॉल्सली अपने आप को रिप्रेजेंट करके, जबकि जो प्रॉपर्टी ए ने बी के नाम करी उस प्रॉपर्टी पे ए का खुद का कोई टाइटल ही नहीं था। जब ए के खुद के पास कोई टाइटल नहीं है, व्हेन ही होल्ड्स नो गुड टाइटल टू दैट प्रॉपर्टी, हाउ इज ही एंटाइटल्ड टू सेल इट, जब आपकी प्रॉपर्टी ही नहीं है तो आप आगे बेच नहीं सकते। वही हुआ, ए ने फॉल्सली और फ्रॉडुलेंटली बी को ये बिलीव करवाया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ और जो प्रॉपर्टी है वो आप खरीद लो। बी को यू नो ये ठीक लगी बात, तो बी को नहीं पता ही हैड यू नो बॉट दिस प्रॉपर्टी इन गुड फेथ, उसको इस बात का नहीं पता कि ए के पास तो टाइटल ही नहीं है, तो बी ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। बाद में क्या होता है, ए के पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है, जबकि पहले ए के पास टाइटल नहीं था उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि टाइटल नहीं था तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू सेल इट, जो प्रॉपर्टी आपकी ही नहीं है वो आप आगे नहीं बेच सकते। ए ने पर बेच दिया और बी को इस बात का पता नहीं था, उसने इन गुड फेथ वो प्रॉपर्टी खरीद ली। बाद में क्या हुआ, ए के पास टाइटल आ जाता है, राइट, ए के पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल आ जाता है, अब ए क्या बन जाता है उसका ऑनर। अब ए को लगता है कि यार नहीं, मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, तो ए ने क्या किया, ए खुद ही कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाके उसने क्या कहा, ही फाइल्ड अ लॉ सूट, लॉ सूट किस चीज़ के लिए फाइल किया, फॉर यू नो सेटिंग असाइड द सेल डीड। कोर्ट में जाता है ए और कोर्ट को बोलता है कि यू हैव टू सेट असाइड दिस सेल डीड। सेट असाइड क्यों करनी है, क्योंकि ये वॉइड है। वॉइड क्यों है, क्योंकि जब मैंने इसको बेचा था बी को, उस टाइम तो मेरा टाइटल ही नहीं था, आई वॉज नॉट लॉफुली एंटाइटल्ड टू सेल, जब मैं एंटाइटल ही नहीं था मैंने फिर भी बेच दी, तो ये वॉइड है, राइट। तो ए ने इस बेसिस पे ऑन दिस ग्राउंड उसने कहा कि जिस चीज़ का टाइटल मेरे पास नहीं था उस चीज़ का टाइटल मैं ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, तो ये वॉइड है, इसीलिए यू हैव टू सेट असाइड दिस सेल। ए ने ऐसा कहा कोर्ट में जाके। इट मींस अब आप यहाँ पे देखो कि ए क्या कर रहा है, एक ही इंसान कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स रख रहा है, बी को वो बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोर्ट के पास जाके वो बोलता है कि तो मेरी प्रॉपर्टी ही नहीं है। इट मींस ए इज यू नो कॉन्ट्रडिक्टिंग हिज पॉइंट्स इन द सेम ब्रेथ, एक ही टाइम पे वो दो अलग अलग लोगों को अलग अलग पॉइंट्स बोलते हैं, ही इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, राइट, एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ। तो इसका मतलब ही होता है लॉ ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल मतलब यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। अब कोर्ट जो है वो ए को कहेगा कि आपने पहले क्या कहा था बी को कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसीलिए बी ने इन गुड फेथ उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, बेशक आपने फ्रॉडुलेंटली करा लेकिन बी को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। इट मीन्स एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल यू कैन नॉट, आप नहीं डिनाई कर सकते, आप मना नहीं कर सकते कि मैंने तो ऐसा करा ही नहीं। कोर्ट में ए ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बी को ऐसा कहा ही नहीं कि तुम प्रॉपर्टी खरीदो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम बाय कर लो। इट मीन्स यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट, पहले आपने जो कर दिया या जो बोल दिया उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कोर्ट के सामने, एंड यू कैन नॉट यू नो कीप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स इन द सेम ब्रेथ। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल।
अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में बताऊं तो उसका मतलब ये रहता है कि पहले हिंदी में समझते हैं कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को फ्रॉडुलेंटली फॉल्सली एक ऐसी स्टेटमेंट रखता है जिस चीज को सुनने और समझने के बाद सामने वाले को लगता है कि ठीक है ये मेरे लिए फेवरेबल है, मैं इसको खरीद लेता हूँ, यानी कि ए हैज इंड्यूस्ड बी टू बाय दैट प्रॉपर्टी, उसने इंड्यूस किया इस तरीके से बेशक फ्रॉडुलेंटली कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को खरीदो, बी ने इन गुड फेथ उस प्रॉपर्टी को भी खरीद लिया और उसको लगा भी कि ये सच है, बी को सारी सिचुएशन बिल्कुल सच्चाई लगी, बी को इस चीज के बारे में नहीं पता था और बी ने प्रॉपर्टी खरीद भी ली। तो यहाँ पे जब ये सब कुछ हो गया, यू हैव इंड्यूस्ड द अदर पर्सन टू बाय दिस प्रॉपर्टी एंड दिस पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू, उसको लगा कि ये सच है एंड देयर बाय यू नो ही बॉट दैट प्रॉपर्टी, तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो बी के साथ बी को कुछ कहा ही नहीं। इट मीन्स यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। इट मीन्स व्हेन वन पर्सन यू नो फ्रॉडुलेंटली एंड फॉल्सली मेक्स अ स्टेटमेंट टू अदर पर्सन सो एज टू इंड्यूस हिम टू बाय दैट लैंड, राइट, सो एज टू इंड्यूस हिम टू बिलीव इट टू बी ट्रू and to act upon it, then you cannot deny your previous conduct. Act upon it मतलब B ने खरीद लिया, he has acted upon what he said, believing it to be true, right? उसको लगा ये सच है, in good faith उसने खरीद लिया, तो यहाँ पे A cannot deny his previous conduct. A ने पहले जो कहा, अब A उसको deny नहीं कर सकता, इसको हम बोलते हैं law of estoppel. I hope आपको समझ आएगा इस law of estoppel क्या होता है, but अब question ये आता है कि what is the status of doctrine of estoppel with regards to minor? तो point समझ लेना यहाँ पे कि अगर हम माइनर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल की तो वो एप्लीकेबल नहीं होती। एप्लीकेबल क्यों नहीं होती, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सेक्शन 10 बिगिनिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ, सेक्शन 11 बिगिनिंग में, इसी वीडियो में मैंने दोनों सेक्शंस डिस्कस करे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एंड 11, सबसे पहले अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर तो कॉम्पिटेंट होता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के। इट मीन्स अगर इनमें से कोई भी इंसान माइनर होता, इट मीन्स अगर ए माइनर होता यहाँ पे, तो आप ए को नहीं बोल सकते कि तुम प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल को फॉलो करो, माइनर के केस में एप्लीकेबिलिटी नहीं है, अदरवाइज है। दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट, सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको बताया गया है। लेकिन अगर मैं विद रिगार्ड्स टू माइनर इसकी बात करूँ तो इट इज नॉट एप्लीकेबल, माइनर के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स माइनर कैन डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट, माइनर डिनाई कर सकता है अपने प्रीवियस कंडक्ट को। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप माइनर को कहोगे कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल को फॉलो करो, इट मींस माइनर यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट, इट मींस कहीं ना कहीं इन अ वे ऑर द अदर आप माइनर को बोल रहे हो कि यू हैव टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस अग्रीमेंट। इट मींस अगर यहाँ पे ए माइनर होता, ठीक है, अगर ए माइनर होता तो क्या होता, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल ए कैन नॉट डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट, इट मींस दिस माइनर कैन नॉट डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट। अगर वो डिनाई नहीं कर सकता तो क्या करेगा, ही इज बाउंड बाय इट, उसको क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज के नाम करनी होगी। इट मींस इन अ वे ऑर द अदर आप इस अग्रीमेंट को क्या कर रहे हो, एनफोर्स करवाने की कोशिश कर रहे हो कि ए अपनी प्रॉपर्टी बी को देगा और इन रिटर्न बी का जो भी अमाउंट बनता है वो ए को वापस करेगा, बी ऑब्वियसली इन रिटर्न फॉर दैट प्रॉपर्टी वो ए को पे भी करेगा। इट मींस कोर्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है, इन अ वे ऑर द अदर यू विल बी एनफोर्सिंग दिस अग्रीमेंट, जो अपने आप में अपने आप एक टाइम पे आके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। अगर हम यही माइनर के केस में करें, माइनर को कहें कि अपनी प्रॉपर्टी बेचो, इट मींस यू आर एनफोर्सिंग एन एग्रीमेंट व्हिच इज वॉइड एब इनिशियो, राइट, आप क्या कर रहे हो एक तरीके से एक अग्रीमेंट को एनफोर्स कर रहे हो, किस अग्रीमेंट को, व्हिच इज वॉइड एब इनिशियो, व्हिच इज वॉइड राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, जब से वो यू नो इनटू एग्जिस्टेंस आई है, इनटू एग्जिस्टेंस भी इनफैक्ट वो आई नहीं, इट इज वॉइड राइट फ्रॉम इट्स बिगनिंग। आप एक वॉइड एग्रीमेंट को क्या कर रहे हो, इन्फोर्स करवा रहे हो, इट मींस यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 10 भी वही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वही इंसान कर सकता है जो कॉम्पिटेंट है, सेक्शन 11 बताते हैं कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है, और सेक्शन 11 कहता है कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है। इट मींस आप सेक्शन 10 और 11 के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाओगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि माइनर के साथ हम लॉ ऑफ एस्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई नहीं करेंगे। और यही हुआ, इसी चीज को इस केस में ब्रह्मदत्त ने, उसके अटॉर्नी ने, डिफेंडेंट्स ने यही कंटेंशन रेज किया कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल को फॉलो किया जाए। कोर्ट कहते नहीं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल को हम फॉलो कर ही नहीं सकते। उसका रीजन क्या है कि ये बच्चा कौन है, माइनर है। आपको समझ आया कि माइनर के साथ हम कर ही नहीं सकते एस्टॉपल, इट यू नो इट विल बी लाइक एनफोर्सिंग एन एग्रीमेंट विच इज वॉइड एब इनिशियो, जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसको आप एनफोर्स कैसे कर सकते हो, इज इट? तो कोर्ट ने कहा नहीं, आपका ये कंटेंशन फेल होता है। मोर ओवर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, इसमें अगर आपको पता हो, मैंने एक टर्म पे फोकस ज्यादा किया था विच इज फॉल्स एंड फ्रॉडुलेंट। ए ने बी को फॉल्सली और फ्रॉडुलेंटली इसको धोखे में रखा था, इस चीज की बी को नॉलेज नहीं थी कि ए का टाइटल ही नहीं उस प्रॉपर्टी पे। लेकिन यहाँ पे
ब्रह्मदत्त के अटॉर्नी को पता था, ही हैड फुल नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट, उसे 100% पता था कि जिस इंसान के साथ हम अग्रीमेंट कर रहे हैं वो माइनर है। तो जब आपको पता ही है, यू कैन नॉट से कि वी वर मिसलेड, हमें मिसलीड किया गया था, आपको सच्चाई का पता है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एस्टॉपल भी तभी अप्लाई होगा जब फ्रॉडुलेंटली आपके साथ धोखा किया गया, एंड यू नो द अदर पर्सन हैज इंड्यूस्ड यू टू बिलीव इट टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन इट। लेकिन यहाँ पे इसने आपको फॉल्सली मिस रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि आपको सच्चाई को ऑलरेडी पता था कि हम एक माइनर के साथ अग्रीमेंट करने जा रहे हैं, आपके अटॉर्नी को ऑलरेडी इस चीज का पता था। इट मीन्स किसी भी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल तो फॉलो हो ही नहीं सकती, इज इट। सेकेंड कंटेंशन जो रेज किया था वो था रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट का। वो कहते हैं ठीक है, आप नहीं कर सकते प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, मीन्स आप माइनर को नहीं कह सकते कि इस मॉर्टगेज को कैंसिल हम नहीं कर सकते। अगर आप माइनर को ये नहीं कह सकते कि ये मॉर्टगेज कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, तो आप क्या करो, आप रेस्टिट्यूशन करवा दो। नाउ इफ यू आर इन टच विद माय वीडियोस, आपको रेस्टिट्यूशन पता होगा, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स, उस टाइम में मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, हर एक चीज को बहुत इन डेप्थ समझाया था। यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रीफिंग करूंगी। तो अब रेस्टिट्यूशन, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं कर सकते, आप रेस्टिट्यूशन कर दो। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रीस्टोरेशन बैक ऑफ इल-गॉटन गेन्स, यानी कि इसको बोल दो हम इसकी प्रॉपर्टीज को वापस कर देंगे, इसको बोल दो कि ये हमारी जो अमाउंट उसने ली थी लोन की वो हमें वापस कर दें। इट मीन्स रीस्टोर करवा दो हमें हमारा जो बेनिफिट हमने उसको दिया था, ठीक है। अगर आप इस मॉर्टगेज डीड को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, लॉ ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई करके एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, क्योंकि इट विल बी लाइक एनफोर्सिंग एन एग्रीमेंट विच इज डेड, वॉइड एब इनिशियो, तो कोई बात नहीं, आप रेस्टिट्यूशन करवाओ। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज को वापस कर देंगे और इसने जो हमसे लोन लिया वो हमें वापस कर दे। इट मीन्स स्टेटस को मेंटेन हो जाएगा। स्टेटस को का मतलब होता है प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, एग्रीमेंट करने से पहले जिस पोजिशन में हम थे, हम उस पोजिशन में आ जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स उसकी लैंड उसको वापस मिल जाएगी, हमारा लोन हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। चाहे इंटरेस्ट भी मत दिलाओ, बट हमारी जो हमने मनी एडवांस करी थी वो इस इंसान को कहो, माइनर को, कि हमें वापस कर दे। तो हमारा स्टेटस को करवा दो, प्री कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन में लाके हमें खड़ा दो, रीस्टोरेशन करवा दो ऑफ इल-गॉटन गेन्स। इल-गॉटन मतलब अपनी प्रॉपर्टी को लेने को तैयार है, लेकिन हमारी भी तो चीज़ हमें वापस दिलाओ, तो दीज आर इल-गॉटन गेन्स। तो जब उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट के लिए कहा, और इन्होंने फिर क्या किया था रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट के लिए, आपको अगर आपने उस वीडियो को देखा तो हमने डिस्कस किया था सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 64 टॉक्स अबाउट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टिट्यूशन इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एंड सेक्शन 65 टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। गाइज प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना, यहाँ पे मैं इतना इनडेप्थ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सेक्शन 64 बेसिकली क्या कहता है कि आप रेस्टिट्यूशन करवा सकते हो, लेकिन रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट सिर्फ उस केस में होगी विच इज अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 65 को अगर आप यहाँ पे यू नो कंटेंशन रेज कर रहे हो सेक्शन 65 की, तो सेक्शन 65 में क्या लिखा, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट हो जाएगा, आपको कॉम्पेंसेशन भी मिल जाएगी, लेकिन ओनली इन केस ऑफ डिस्कवर टू बी वॉइड केसेस और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इट मीन्स सेक्शन 64 एंड 65 दे आर एप्लीकेबल ईदर इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये क्या है, ना ही एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ना ही एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग मैं आपको बता रही हूँ कि माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एग्रीमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बनता ही नहीं। तो कोर्ट कहते हैं कि हम यू नो अगर हम सेक्शन 64 और 65 के प्रोविजन को इन डेप्थ रीड करते हैं तो हमें समझ आता है वहाँ पे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, वॉइड एग्रीमेंट्स में रेस्टिट्यूशन होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपका जो कंटेंशन है ये भी हम यू नो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज सेक्शन 64 और 65 को रीड करते हैं तो उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग कहीं पर नहीं लिखा कि रेस्टिट्यूशन हो सकती है ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, हो भी नहीं सकती, बिकॉज वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, बिल्कुल खत्म है, जब हुई थी तभी वो डेड थी बेसिकली, राइट फ्रॉम इट्स बिगनिंग। तो यहाँ पे इनका भी कंटेंशन, यहाँ पे इसको भी सपोर्ट नहीं किया जाता। इट मीन्स कोर्ट फाइनली इस डिसीजन पे आया कि डिफेंडेंट्स ने जितने भी कंटेंशन रेज करे, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का भी कंटेंशन रेज किया, वो भी अप्लाई नहीं हो सकता, इन्होंने रेस्टिट्यूशन का भी अप्लाई किया, कंटेंशन रेज किया, वो भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो सारे कंटेंशन को यू नो ओवरव्यू करने के बाद कोर्ट इस डिसीजन पे आया था कि माइनर की जो अग्रीमेंट होगी वो वॉइड एब इनिशियो होगी। मैंने आपको बताया था कि मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोसे 1903, यही एक केस लॉ है जिसने एक्चुअल में इवॉल्व किया था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, माइनर की अग्रीमेंट किस तरीके की होगी, इट इज वॉइड एब इनिशियो, इट मीन्स इट इज वॉइड राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। तो इस केस में यहाँ पे पूरा जब हमने इसको स्टडी किया, कंटेंशन क्या रेज करे गए, व्हाट वर द फैक्ट्स,
तो हमें पता लगा कोर्ट ने फाइनली कहा कि माइनर को आप कुछ भी नहीं कर सकते, माइनर का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि माइनर की अग्रीमेंट ही हुआ है इनिशियल होती है इज इट। अब प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल भी हम डिस्कस कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू माइनर, एंड हम रेस्टिट्यूशन को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। रेस्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया कि माइनर के केस में हम रेस्टिट्यूशन नहीं कर सकते, बट एक पॉइंट को ध्यान रखना, जनरली व्हाट हैपेंस इज माइनर के केस में रेस्टिट्यूशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चाहे आप सेक्शन 64 की हेल्प ले लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, चाहे आप सेक्शन 65 की हेल्प ले लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वहां लिखा जरूर है कि रेस्टिट्यूशन हो सकती है, कॉम्पेंसेशन भी दी जा सकती है, लेकिन ओनली इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा इज इट। तो जनरली व्हाट हैपेंस इज रेस्टिट्यूशन नहीं होगा ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ माइनर। बट अगर माइनर अपने आप को, एक एक्सेप्शन है, अगर माइनर अपने आप को फॉल्सली मिसरिप्रेजेंट करता है, कई बार ऐसा होता है कि माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ मेजर, माइनर अपने आप को माइनर दिखाता नहीं है, वो अपने आप को इस तरीके से दिखाएगा कि मैं मेजर हूँ, और अपने आप को मेजर कह के सामने वाली पार्टी को वो मिसलीड करेगा, और सामने वाली पार्टी उसके साथ कौन एग्रीमेंट कर लेगी। तो अगर माइनर अपने आप को मिसलीड करता है एंड अगर उस चीज का फैक्ट सामने वाली पार्टी को नहीं पता, फिर माइनर को रेस्टिट्यूशन करनी होगी। पॉइंट देखना यहाँ पे क्या है, इस केस में भी माइनर ने अपने आप को मिसलीड ही किया था, माइनर ने इस केस में भी अपने आप को मिसरिप्रेजेंट किया था एज मेजर, लेकिन उस चीज की पूरी नॉलेज थी उसकी अटॉर्नी को। इस केस में यानी कि जो टर्निंग पॉइंट है वो सिर्फ यही चीज है कि ब्रह्मदत्त के अटॉर्नी को ये बात पता थी, पता होने के बावजूद भी यू नो ही हैड फुल नॉलेज ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ दिस पर्सन, माइनर की माइनॉरिटी का इसको पता था, क्योंकि इसको पता था तो ये कोई भी कंटेंशन प्रॉपरली रेज नहीं कर पाए इज इट। लेकिन जनरली व्हाट हैपेंस इज रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर माइनर अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करता है एज अ मेजर एंड इंड्यूसेस द अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि मेरे साथ एक अग्रीमेंट कर लो, बट प्रोवाइडेड उस चीज की, उसकी माइनॉरिटी की जो नॉलेज है वो सामने वाले को नहीं होनी चाहिए। इट मींस आपने सामने वाले के साथ फ्रॉड किया, धोखा किया, यू मिसरिप्रेजेंटेड योरसेल्फ एज अ मेजर जबकि आप एक माइनर हो, आपने मेजर दिखाया अपने आप को और इस चीज का सामने वाली पार्टी को पता भी नहीं था। क्योंकि सामने वाली पार्टी को नहीं पता था तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगी, क्योंकि आपने फ्रॉडुलेंटली और फॉल्सली अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो वहां पे माइनर को 100% रेस्टिट्यूशन करनी होगी, उसको कॉम्पेंसेशन भी देनी पड़ सकती है, रेस्टिट्यूशन भी देनी पड़ सकती है। अब एक पॉइंट को ध्यान रखना, चाहे माइनर प्लेंटिफ है, चाहे वो डिफेंडेंट है, चाहे वो खुद कोर्ट में जाता है, जैसे यहाँ पे उसने खुद ही अपने आप को खुद ही मिसलीड किया, ही मिसरिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ मेजर, खुद ही मिसरिप्रेजेंट किया और खुद ही कोर्ट में चला गया। तो चाहे माइनर खुद ही प्लेंटिफ हो, चाहे माइनर एज अ डिफेंडेंट हो, यहाँ पे वो प्लेंटिफ था, खुद ही कोर्ट में चला गया, बट माइनर ने अगर किसी को मिसलीड किया है और सामने वाले को नहीं पता कि हम मिसलीड हो रहे हैं, तो माइनर चाहे प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, ही विल बी हेल्ड लायबल। फिर उसको कॉम्पेंसेशन करनी होगी, उसको रेस्टिट्यूशन करना होगा। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि एक माइनर कभी भी, इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड दैट अ माइनर इज नेवर एवर हेल्ड पर्सनली लायबल। एक माइनर को पर्सनली कभी भी लायबल नहीं कर सकते। अगर आपको रेस्टिट्यूशन चाहिए, अगर आपको कॉम्पेंसेशन चाहिए, तो अगर प्लेंटिफ के पास कोई भी प्रॉपर्टी है, इफ ही यू नो एनी, इफ ही पजेसेस एनी, तो उसके प्रॉपर्टी से रेस्टिट्यूशन होता है। पॉइंट ध्यान रखना, जनरली व्हाट हैपेंस इज रेस्टिट्यूशन नहीं होता, लेकिन अगर वो अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करता है और सामने वाले को उस चीज का नहीं पता कि हम मिसरिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो चाहे आपका माइनर प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, ही विल बी हेल्ड पर्सनल, ही विल बी हेल्ड लायबल टू मेक कॉम्पेंसेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट टू द अदर पार्टी जिसको उसने मिसलीड किया है, प्रोवाइडेड अ माइनर विल नेवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल। लॉ में कभी भी एक माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता। अगर रेस्टिट्यूशन होगी, कॉम्पेंसेशन होगी, तो वो उसकी प्रॉपर्टी से होगी, इफ ही पजेसेस एनी, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से आप कर सकते हो, उस इंसान को पर्सनली आप कभी भी लायबल नहीं ठहराओगे। और जो ये चीज है ना, इट इज बेस्ड ऑन यू नो अ पॉइंट, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, विच इज ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मीन्स जो इंसान चाहता है कि मेरे साथ न्याय हो, उसको सामने वाले के साथ भी तो न्याय करना होगा। अब अगर आप किसी को मिसरिप्रेजेंट करते हो और मिसरिप्रेजेंट करने के बाद आप कोर्ट में चले जाते हो, इट मीन्स आप क्या चाह रहे हो, अपने लिए न्याय चाह रहे हो। तो जिसके साथ आपने गलत किया है, जिसको आपने मिसरिप्रेजेंट किया है, उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए पॉइंट आपको समझ आया, अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे पहले तो रेस्टिट्यूशन नहीं। यस आई अग्री, जनरली रेस्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सेक्शन 64 65 अप्लाई नहीं होता। बट इन केसेस में अगर वो किसी को मिसलीड करता है, चाहे वो फिर वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, वो लायबल होगा।
क्यों लायबल होगा, इसके वाई का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, जो चाहते हैं कि मेरे साथ न्याय हो उसको सामने वाले के साथ भी न्याय करना होगा। यहाँ पे आप एक तो मिसलीड कर रहे हो सामने वाले को मिसलीड कर रहे हो, और वो सामने वाली पार्टी इनोसेंट है, राइट, उसको नहीं पता कि आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, और आप फ्रॉड करने के बाद खुद ही कोर्ट में जा रहे हो, इट मीन्स आप न्याय चाहते हो, ठीक है। तो सामने वाले को भी न्याय मिलना चाहिए, बिकॉज वो भी उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है, इसीलिए माइनर को कहा जाता है कि तुम कॉम्पेंसेट करो, तुम रेस्टिट्यूशन करो, बट नॉट पर्सनली, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से कॉम्पेंसेशन दिलाई जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रखना, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, विच मीन्स ऐसा नहीं है कि माइनर करने को कुछ भी कर सकता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं होता कि माइनर कुछ भी कर सकता है। अब माइनर के नॉट बी अनजस्टली एनरिच्ड, पॉइंट ध्यान रखना, अ माइनर के नॉट बी अनजस्टली एनरिच्ड एट द कॉस्ट ऑफ एनदर। अब माइनर को वैसे प्रोटेक्शन मिलती है हमारे लॉ में, लेकिन ऐसा नहीं कि माइनर कुछ भी करेगा और उसको हमेशा यू नो प्रोटेक्शन मिलेगी, वो अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं कर सकता। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है कि यू कैन नॉट एनरिच योर सेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ एनदर। यहाँ पे उसने वही तो किया, ही वॉज अनजस्टली एनरिचिंग हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ एनदर, अगले की पैसा भी ले लिया और अपनी प्रॉपर्टी भी मांग रहा है, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अनजस्ट एनरिचमेंट कर रहे हो, अपने आप को एनरिच कर रहे हो और सामने वाले के साथ क्या कर रहे हो, आप धोखा कर रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉइंट था, फुल नॉलेज का पॉइंट था जो उसके अटॉर्नी को थी, अदरवाइज यहाँ पे भी क्या है, अनजस्ट एनरिचमेंट है। आप क्या कर रहे हो, अपनी वापस ले रहे हो लैंड भी, और आप मतलब सूट में तो आप जो लॉ सूट है उसमें तो आप यही कह रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी वापस की जाए, प्रॉपर्टी भी वापस ले रहे हो, आप लोन भी वापस देने को तैयार नहीं हो, इट मीन्स यू आर अनजस्टली एनरिचिंग योर सेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ दिस पार्टी, तो वो अलाउ नहीं होता, वो अलाउ नहीं होता। और इस चीज़ को सेक्शन 33 में लिखा गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो हमें ये बताता है कि एक माइनर, चाहे जो मर्जी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, उस इंसान से आप रेस्टिट्यूशन भी करवा सकते हो, रिस्टोरेशन बैक ऑफ इलगॉटन गेन, उससे आप कॉम्पेंसेशन भी ले सकते हो, उससे आप रेस्टिट्यूशन भी करवा सकते हो, उससे आप कॉम्पेंसेशन भी ले सकते हो। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन हम माइनर से रेस्टिट्यूशन भी करवा सकते हैं, कॉम्पेंसेशन भी करवा सकते हैं, नॉट फ्रॉम हिम पर्सनली बट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इफ ही पजेसेस एनी, एंड दैट टू जनरली हम नहीं करवा सकते, दैट टू कब, जब उसने मिसलीड किया है, क्योंकि इफ ही सीक्स इक्विटी ही मस्ट डू इक्विटी, वहां पे ऐसा नहीं कि माइनर को कुछ भी करने दिया जाएगा, जनरली नहीं करवा सकते, लेकिन इस केस में जनरली, इस केस में पर्टिकुलरली हम करवा सकते हैं अगर वो धोखा किसी को देता है और सामने वाले ने इनोसेंटली उस चीज को मान लिया है एंड ही हैज एक्टेड अपॉन इट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को बेसिकली सर शादीलाल थे, हमारे शादीलाल चीफ जस्टिस थे, उन्होंने लाहौर केस में इस चीज को बताया था, सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, राइट, और हम रेस्टिट्यूशन करवा सकते हैं, चाहे एक माइनर प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, ये मैटर नहीं करता करता कि वो कोर्ट के सामने कैसे आ रहा है, चाहे वो प्लेंटिफ एज अ प्लेंटिफ आए या फिर वो एज अ डिफेंडेंट आए, कोर्ट के सामने एक माइनर जैसे मर्जी आए, लेकिन अगर उस इंसान ने मिस रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, सामने वाला मिस रिप्रेजेंट हो गया, इट मीन्स अब वो कोर्ट के सामने आ रहा है टू सीक इक्विटी कि मेरे साथ न्याय किया जाए, तो आपको भी सामने वाले के साथ न्याय करना होगा। तो इस चीज को सर शादीलाल चीफ जस्टिस से लाहौर केस में उन्होंने इस चीज को इवॉल्व किया, तो उन्होंने इस चीज में बेसिकली बताया था, उसका पूरा नाम था खान गुल वर्सेस लखा सिंह 1928, ये केस लॉ है खान गुल वर्सेस लखा सिंह 1928, इस केस को हम लाहौर केस के नाम से जानते हैं। तो शादीलाल चीफ जस्टिस ने कहा था कि सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट को इनटू कंसीडरेशन लाएंगे, यू कैन नॉट अनजस्टली एनरिच योरसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, सिंस यू आर सीकिंग इक्विटी, माइनर इज सीकिंग इक्विटी, तो ही हैज टू डू इक्विटी। गाइज आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया, बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग है कि बेसिकली पॉइंट्स हैं। हमने आज डिस्कस किया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना कि माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एट इनिशियो, और इसको इवॉल्व किया था इस केस ने, विच इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोसे 1903, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमने डिस्कस किया था माइनर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, माइनर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, हमने इनको डिस्कस कर लिया। इन माई अपकमिंग वीडियोज आई विल बी डिस्कसिंग रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर, माइनर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, हम ये सब कुछ डिस्कस स्लोली एंड स्टडीली करते जाएंगे, बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर हमें सेक्शन 12 को भी डिस्कस करना है अभी, राइट, और वो डिस्क्वालिफाइड का पॉइंट भी हमें डिस्कस करना है, सो विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन ग्रेटर डिटेल।